धन्यवाद संचालक महोदय जी। आज मेला जलभ्यार के अवसर पर सबसे पहले मैं लठाटोल महाराज के चरणों में सर झुकाते हुए मऊरानीपुर मिनी अयोध्या के सभी मंदिरों में विराजमान रामलला सभी सीता जी लक्ष्मण जी राधा कृष्ण जी के चरणों में सर झुकाते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आप सबके जाने पहचाने हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय मंत्री हमारे छोटे भाई भाई मन्नूलाल जी, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना ऐसा महान इतना अमूल समय दे करके और इस मंच की शोभा बनाई, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। इस मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के लगनशील कर्माठ युवा नव निर्वाचित जिलाध्यक्ष भाई हमारे छोटे भाई अशोक गुरी जी, मैं इनके अपने इस मंच के माध्यम से उनका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। ये मऊरानीपुर की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा हमें ईमानदार जिलाध्यक्ष दिया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथियों, मंच पर इस मेला की अध्यक्ष आप सबके आशीर्वाद से नगर अध्यक्ष हमारी लोकप्रिय नेता देवी तुल भाई शशि श्रीवास जी मंच पर विराजमान हमारे मित्र डॉक्टर घन्नूलाल के पुत्र जिन्होंने हम लोगों का नाम रोशन किया, हमारी जिला पंचायत के जिला अध्यक्ष भाई डॉक्टर पवन जी, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि एक ऐसे नेता हैं कि जब से जिला पंचायत की कुर्सी पर बैठे पूरे जिले का दौरा कर रहे हैं और जितना विकास जिला पंचायत से गांव में हो रहा है शायद कभी नहीं हुआ होगा, ऐसे में जिला अध्यक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथियों, मंच पर विराजमान हमारे छोटे भाई ब्लॉक प्रमुख राजू जी एवं मंच पर विराजमान हमारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे बड़े भाई श्री वीरेंद्र अग्रवाल जी, मंच पर विराजमान हमारे चेयरमैन प्रतिनिधि भाई युवा नेता आउ श्रीवास जी, मंच पर विराजमान हमारे नगर के सम्मानित और जनता की सेवा करने वाले ऐसे हमारे भाई कल्लू कुशवाहा जी जो रात दिन लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मंच पर विराजमान हमारे नायक जी, हमारे मंच पर विराजमान हमारे युवा नेता
आप सबके जाने पाचे पहचाने श्री राहुल अहरवार जी जो वास्तव में रात दिन लोगों की सेवा करते हैं, ऐसे साफ सुथरे नेता। साथियों, आज मंच पर विराजमान सभी हमारे सम्मानित महान भाव और साथियों, इस नगर पालिका के जो हमारे युवा और नए पार्षद गण चुन के आए हैं, उनसे बड़ी उम्मीदें हैं और साथियों, पूरा भरोसा है कि मऊ रानीपुर में विकास के नाम पर इतना काम होगा कि हम और आप जो सोचते हैं उनसे ज्यादा हमारे पार्षदगण जोड़ सोच रहे हैं, इसलिए मैं उन पार्षदगणों को भी धन्यवाद देता हूं सभी को। साथियों, इस मंच पर विराजमान हमारे पूर्व पार्षद जैसे चिंतामन जी हैं, देवी जी, दीपक जी हैं और मनोज कुशवाहा जी और भी अन्य हमारे पूर्व पार्षदगण, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे हसन भाई और हमारे पार्षद जी के पिताजी, ये पूरा परिवार, हमारे भाई और बच्चे जैसा है, बच्चे हैं तो भी बच्चे हैं और भाई है हमारे भाई है, ये पार्षद भी प्रकाश हमारे बच्चे की तरह है और हमारे संचालन कर रहे, इनको कहते हैं हम लोग बुढ़ा शेर, ये भाजपा का बुढ़ा शेर है। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि शेर ने हिला दी है मऊ रानीपुर, ऐसे हमारे आरके जी, हमारे नेता इलियास भाई और भी हमारे सामने हमारे सभी बहने, हमारे पार्षद पाठक जी वहाँ बैठे हुए हैं, ईवागण सब वहाँ बैठे हैं, पार्षद गण, हमारी बहने बैठी हुई हैं, हमारे नौजवान साथी और हमसे बड़े हमारे पितातुल और हमारे पत्रकार बंधु। साथियों, आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि जिस तरीके से आज आपको ये साफ सुथरा मंच दिखाई दे रहा है, ये पहली बार और आपको दिखाई दे रहा है और आज मंच की शोभा अलग ही है। यहाँ पर ईमानदार चेयरमैन बैठी हुई है जिनके नेतृत्व में ये मेला चल रहा है, इनका नाम है शशि देवी। साथियों, कितनी सुशील, कितनी गंभीर है आजकल की नेता आपने देखी है और नेता की वाणी भी आप लोगों ने सुनी है, लगता है कि जाने क्या करने वाले हैं। साथियों, इसलिए हम आप सबसे कहते हैं कि कभी कभी खिसियानी बिल्ली भी अपने बाल लोचते हैं। साथियों, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि ये मऊ रानीपुर नगर का मेला, ये मऊ रानीपुर की जनता की भावनाओं का मेला है। ये मेला मिनी अयोध्या पर ये भगवान राम की कृपा का मेला है। साथियों, आज हमारे देश में परम आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुखिया भाई आदित्य योगी जी, साथियों, इनकी सरकार में आज जो कहते हैं कि राम राज, अयोध्या का मंदिर आप देख रहे हैं किस तरीके से तैयार भव्य हो गया है, कि ऐसा मंदिर कभी कोई प्रदेशों में नहीं मिलेगा देखने। हमारे देश का नाम श्री राम के मंदिर से विदेशों में नाम हो रहा है, हमारे मोदी जी का नाम हो रहा है और योगी जी का नाम हो रहा है।